कंटीजेंट लाइबिलिटीज, क्या होती है कंटीजेंट लाइबिलिटीज, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। आपको अगर दिक्कत आती है कंटीजेंट लाइबिलिटी को समझने के लिए, और आपको कंटीजेंट लाइबिलिटी का मीनिंग समझना है प्रैक्टिकल तरीके से, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कैसे इसका मीनिंग होता है, तो आज की वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। बस ये वीडियो में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एक कंटीजेंट लाइबिलिटी की पूरा अच्छे से बात करने वाले हैं, और उसके बाद देखेंगे इसका मीनिंग वगैरह बुक में क्या होता है, लेकिन स्पेशली आज की वीडियो प्रैक्टिकल ही होने वाली है, तो बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है। चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें मतलब समझना होगा कंटीजेंट का क्या मतलब होता है। कंटीजेंट का पहले मतलब क्या होता है, कंटीजेंट का अलग अलग फील्ड में अलग अलग मतलब हो सकता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन में, तो कंटीजेंट का मतलब हो सकता है ग्रुप ऑफ पर्सन, उसको भी कंटीजेंट बोल सकते हैं। आर्मी की बात करें तो ग्रुप ऑफ आर्मी फोर्सेस जो किसी एक आर्मी के अंदर होती है उसको भी कंटीजेंट बोलते हैं। पर यहाँ पर अकाउंटिंग में बात करें तो कंटिजेंट का मतलब कुछ अलग होता है। कंटिजेंट का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड और कह सकते हैं एक्सीडेंटल, कुछ एक्सीडेंटल एकदम से हो जाना, एकदम से आपको पता नहीं था एकदम से आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंट। अब हम बात करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होने वाला है कि कंटीजेंट लाइबिलिटीज होती क्या है, और सिर्फ कंटीजेंट लाइबिलिटी सब कुछ आपको समझ में आएगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि अगर एक बात करते हैं, एक कंपनी है, एक कंपनी ए है, कंपनी ए बहुत अच्छा काम कर रही थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बना रही थी। उसका प्रोडक्ट काम था बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही थी, काफी अच्छा काम था, ब्यूटी के प्रोडक्ट बना रही थी और कस्टमर को काफी अच्छा बेच रही थी वो, और कस्टमर को काफी अच्छा बेच रही थी, कस्टमर सेटिस्फाई भी थे, कस्टमर काफी अच्छे सेटिस्फाई थे। कस्टमर कह रहे थे बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं तुम, तो मजा आ रहा है हमें प्रोडक्ट पे, और काफी अच्छा मेकअप ब्यूटी सब कुछ बढ़िया मिल रहा है हमें। लेकिन एक वुमेन ने क्या करा, कंपनी पे केस फाइल कर दिया, कंपनी ने कंपनी पे केस फाइल कर दिया। क्या हुआ था कि वुमेन को एक मेकअप का प्रोडक्ट मिला जिसका एक आई शेडो पैलेट एक प्रोडक्ट था, वो मिला और उसने अपनी वुमेन ने अपने आंखों पे लगाया, आई शेडो पे लगाया, और उनकी पूरा का पूरा वहां पर जलन शुरू होगी और उनकी आंखें खराब होगी। आंखें खराब होने की वजह से वुमेन को गुस्सा आया और वुमेन ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, और वो केस की वैल्यूएशन मान के चलते हैं कंपनी ने केस करा लगभग 1 मिलियन, $1 मिलियन, इतने रुपए का उन्होंने केस फाइल कर दिया। ठीक है, सूट भी बोलते इसके, इसे बोलते हैं सूट, सूट भी बोल सकते हैं, लो सूट बोलते हैं इसे। ठीक है, अब कंपनी एक ने कहा कि भाई ये क्या मतलब है, हमने तो ऐसा कोई प्रोडक्ट बेचा ही नहीं था, लेकिन वो मैंने कह रही तो आपने तो बेचा था, उसने तो अब केस भी कर चुकी है। अब हुआ क्या, कंपनी ए ने अपने लॉयर को अपॉइंट करा और उनके लॉयर ने दो बातें करी। लॉयर ने सबसे पहले एक बात कही कि देखो हम ये केस हार जाएंगे, अगर हम पहला सिनेरियो सॉल्व करते हैं, अगर लॉयर ने सबसे पहली बात करी थी कि हम अगर ये केस हार गए, यानी कि लूज, अगर हम ये केस हार सकते हैं क्योंकि भाई गलती हमारी है, गलती हमारी है और गलत प्रोडक्ट आपने बेचा था, और इनका लॉयर ये बता रहा है कि भाई गलती तुम्हारी है, प्रोडक्ट गलत पहुंचा था और उनके उसके बाद पूरा प्रूफ है, तो हम ये केस हार सकते हैं, हम ये केस हार सकते हैं। और उसी टाइम 31 मार्च 2021 चल रहा था और वहां पर ये केस फाइल हुआ था, लेकिन आपको पता है कि अभी ये केस का रिजल्ट नहीं आया है, अभी ये केस पेंडिंग है, ये चल रहा है कोर्ट में, केस चल रहा है, लेकिन इनके लॉयर ने बता दिया कि भाई ये केस हम हार जाएंगे, हम नहीं जीत सकते ये केस, क्योंकि उसके पास पूरा प्रूफ है, वो पूरा प्रूफ के साथ आई है। तो अब यहाँ पर हम फाइनल अकाउंट बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो फिर कंपनी ए ने अपने अकाउंटेंट से बात करी कि भाई अब क्या किया जाए, इस चीज को लिखना चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं लिखना चाहिए, ये क्या हमारी लाइबिलिटी है या एसेट है, क्या चीज है हमारी है। तो देखो अकाउंटेंट ने कहा कि भाई ये एक हमारी लाइबिलिटी है,
ये हमारी एक लाइबिलिटी ही है, पर इसका नाम हम देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटीज। इसका हम नाम देंगे कंटीजेंट लाइबिलिटी, यानी कि ये हमारी लाइबिलिटी तो है पर एक्चुअल में लाइबिलिटी नहीं है, ये लाइबिलिटी फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में ये लाइबिलिटी आएगी, ये आपको पता चल चुका है। फ्यूचर में हमें केस हारेंगे और ये 1 मिलियन डॉलर का हमें जुर्माना पूरा भरना होगा, ये हमें पता चल चुका है। लेकिन आएगी तो फ्यूचर में ना, और फ्यूचर में किस डेट को आएगी ये भी नहीं पता, इसलिए ये अनएक्सपेक्टेड एक लाइबिलिटी है जो फ्यूचर में आ सकती है। पर क्योंकि हम यहाँ पर अभी अकाउंट बना रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ड्यू टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिसका नाम है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और एक और अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर। ये दोनों की वीडियो मैंने बना रखी है पहले से, और ये वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लॉयर नहीं कह रहा है, ये मैं कह रहा हूँ, ये लॉयर नहीं कह रहा है, ठीक है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के दौरान ये कहते हैं, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यार मेरा फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, फ्यूचर में मुझे जो जुर्माना भरना पड़ेगा, फ्यूचर में लॉस हो सकता है, उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसको आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फ्यूचर में जो भी आपको नुकसान होने वाले है उसको आज ही रिकॉर्ड करो, ये हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है। फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं उसको रिकॉर्ड ना करो आज। अगर आपको कोई फ्यूचर में एसेट क्रिएट होने वाला है उसको आप कंटीजेंट एसेट नहीं लिखोगे, लेकिन अगर आप फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसको आज ही रिकॉर्ड करो। और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई आपको सबको दिखाना होगा, आपको सबको दिखाना होगा अगर आपकी कोई लाइबिलिटी आई है या नहीं आई है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। आ चुकी है या नहीं आ चुकी है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आएगी तो भाई आपको फुल डिस्क्लोज करो उसको। और इसीलिए आपका ये लाइबिलिटी साइड नहीं लिखा जाता, ये आपका नोट्स टू अकाउंट में लिखा जाता है, क्योंकि वैसे तो ये लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ये लाइबिलिटी साइड लिखा नहीं जाएगा। तो ये आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ता है कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर, वहां नीचे दिखाना पड़ता है कि देखो हमारी कोई लाइबिलिटी ये फ्यूचर में आ सकती है। लाइबिलिटी है ही नहीं तो लाइबिलिटी साइड लिखेगी क्यों उसको। तो इसलिए फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में लाना पड़ता है, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू इस लाइबिलिटी को लिखा जाता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को। लेकिन 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 अब मैं एक दूसरा केस सिनेरियो बताता हूं जिसमें आपको और अच्छे से एक चीज समझ आने वाली है। दूसरा केस क्या हो सकता है, सपोज करो उसका लॉयर ने कहा कि यार हम ये ना केस जीत सकते हैं, हार नहीं गए हम जीत सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पूरा विश्वास है ये प्रोडक्ट हमारा नहीं था, हमें पूरा विश्वास है ये प्रोडक्ट हमारा नहीं था, गलती से इनके पास पहुंच गया। तो उसके लॉयर ने कहा कि हम ये केस आसानी से जीत सकते हैं, हमारे पे इसका पूरा प्रूफ है, हमारे पे बिल है, भाई हमने इसको बेचा ही नहीं है, हमने पूरे अकाउंट्स हमारे चेक कर लो आप, हमारी कोई एंट्री नहीं हुई इसकी बेचने की, तो मतलब कि हम जी सकते हैं केस। तो जब हम जी सकते हैं उस समय कोई लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कंटीजेंट लाइबिलिटी, उस समय कोई कंटीजेंट लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आप जी सकते हो, कंटीजेंट लाइबिलिटी तभी रिकॉर्ड करते हैं जब आपको ये पता होता है कि फ्यूचर में मैं हार सकता हूं, फ्यूचर में ये लाइबिलिटी मेरे पे आ सकती है, फ्यूचर में मेरे पे ये लाइबिलिटी आ सकती है, तभी लाइबिलिटी कंटीजेंट लाइबिलिटी रिकॉर्ड होती है। अगर आपके पता है कि भाई आपको पता है कि नहीं आ सकती तो थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे हम, तब तो कोई रिकॉर्ड करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये आप भी समझ पा रहे होगी, मैं भी समझ पा रहा हूँ, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको, ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, यही है सबसे बड़ा एग्जाम्पल कंटीजेंट लाइबिलिटी का, इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। और ये एग्जाम्पल है आपका, देखो लॉ सूट का, ये है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। कंटीजेंट लाइबिलिटी किस किस तरीके की आपको आ सकती है, हालांकि इतना कुछ आपको क्वेश्चन में मिलेगा नहीं देखने को, लेकिन जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल था वो यही था लॉ सूट का। लॉ सूट आपके पास हो चुका है, ये पूरा एग्जाम्पल जो आपको बताया ये लॉ सूट का था, और ये लॉ सूट आपके पास होता है तो ये कंटीजेंट लाइबिलिटी के फॉर्म में आता है। दूसरा होता है प्रोडक्ट वारंटी। वारंटी कभी कभार कोई गारंटी या वारंटी दे देते हो आप, हो सकते कोई आप गारंटी दे दो या वारंटी दे दो, है ना। कोई होता है ना कि आपके कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदा उसकी गारंटी चल रही है, अब गारंटी पीरियड के दौरान क्या होता है, कस्टमर हमें वो वापस कर सकता है, कस्टमर में कोई डैमेज हो गया कुछ तो कस्टमर हमें वापस कर सकता है। तो हमारे फ्यूचर में वो लाइबिलिटी आ सकती है जिसका हमें लॉस उठाना पड़ेगा, है ना, फ्यूचर में उसकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ सकती है हमें, या फ्यूचर में हमें कोई गारंटी अगर दे रखी है तो नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा उसको, तो भाई ये तो लॉस हो रहा है ना हमारे लिए। तो इसीलिए फ्यूचर में ये इसको भी लिखा जाता है।
कोई पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, पेंडिंग केसेस चल रहा हो सकता है आपके सामने, ठीक है, आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, तो अभी केस पेंडिंग है, तो वो तो उसी के अंदर आ गया जो मैं आपको बताया था एक तरह का। लेकिन लॉ सूट कर देना अलग होता है, कभी कभी इन्वेस्टिगेशन किसी और चीज की हो सकती है, तो वो इसलिए यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है। बैंक गारंटी हो सकती है, कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई लोन ले रखा है, ठीक है, इसने बैंक से लोन ले रखा है ए ने, और कभी कभार कोई और गारंटी दे देता है कि मैं लोन पे कर दूंगा। सपोज करो बी ने इसको गारंटी दे दी ए को कि मैं आपकी तरफ से लोन पे कर दूंगा, तो बैंक गारंटी कभी कभार हो सकती है कि अगर इसने लोन पे नहीं करा, आपको लग रहा है कि ये लोन पे नहीं करेगा और आप अकाउंट बना रहे हो, तो आपके लिए कंटीजन लाइबिलिटी बन जाएगी। इसी तरीके से लॉ सूट फॉर थेफ्ट, मतलब कोई आपने पेटेंट किसी का आपने कोई चुरा दिया, सपोज करो आप मेडिकल कंपनी है, आपने किसी का फॉर्मूला चुरा लिया, आपने किसी का नाम चुरा लिया, उसने आपके ऊपर केस कर दिया, तो वो लॉ सूट ये वाला आ जाएगा। चेंज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई है उसकी वजह से आपको लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज, कभी कभार होता है कि आपको फ्यूचर आपको फॉरेन में पेमेंट करनी होती है, आपने कोई बाहर का सप्लायर है, कोई यूएसए का सप्लायर बैठा है, उसको आपको पेमेंट करनी है, पर आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, जैसे कि अगर आपके डॉलर की बात करें तो डॉलर का रेट चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता, तो आपको लग रहा है कि डॉलर का रेट घट जाएगा तो उस चक्कर में आपको नुकसान हो जाएगा, इसीलिए उस भी वो भी आपका कंटीजन लायबिलिटी बन सकता है कि चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज की वजह से जो जितना नुकसान हो सकता है आपको फॉरेन करेंसी के पेमेंट करने के वक्त, वो आपको आज ही लिखना होगा। फिर ऐसे ही लिक्विडेटेड डैमेजेस, कभी कभार क्या होता है कि आप कि कोई आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, ठीक है, आपने एक दूसरे को मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब आपको लग रहा है कि ये दूसरा बंदा नहीं, आपको लग रहा है कि बेसिकली अगर एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देगा, कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने का आपको केस चढ़ गया। क्या मतलब है, देखो दे समझते हैं, कि आपको लग रहा है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन दूसरी पार्टी आपको छोड़ के भाग सकती है, किसमें क्या होता है कि आपको लग रहा है कि सपोज करते ए है और बी है, उन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आए और आपको लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बंद हो सकता है, लिक्विडेट मतलब खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है, तो जब बंद हो जाएगा तो आपको लग रहा है कि दूसरी पार्टी हमारे ऊपर केस कर सकती है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बीच में कोई छोड़ के भाग जाता है तो कोई डिफॉल्टिंग पार्टी है, वो नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी जो डिफॉल्ट नहीं कर रहा है वो केस कर सकती है हमारे ऊपर, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये भी आपका कंटीजन लायबिलिटी बन जाएगी कि भाई ये फ्यूचर में हमारे पास केस चढ़ सकता है कितने रुपए का, जितना आपका डिसाइड होगा वो, ठीक है। ये कुछ ऐसे था, मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताया कि कंटीजन लायबिलिटी क्या होती है, बुक वगैरह के थ्रू भी बात हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश की है कि बेसिकली कंटीजन लायबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो इस वीडियो को लेकर लाइक करना, फिर सब्सक्राइब कर देना और दबा देना बेल आइकन भी, ताकि ऐसी खतरनाक वीडियो सबको मिलती रहती है, और आपको इस आपने एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे सामने, कॉमर्स के बेसिक फंडे, कॉमर्स के बेसिक फंडे प्लेलिस्ट में आपको ऐसी और वीडियोस आपको मिलेगी वहां पर बहुत जबरदस्त, जिसमें आपके कॉमर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो आप जा सकते हो, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है, और मिलते चलो अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कोई हो सकता है।